हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, चलिए ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 2। तो हम चलते हैं थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन के लिए। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि किस प्रकार सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था, जो कि अरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। और फिर उसके बाद देखिए, अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो मॉर्फोलॉजी के आधार पे किया था, इसलिए उन्होंने केवल प्लांट और एनिमल दो भागों में बांटा था। फिर उन्होंने प्लांट को तीन भागों में, हर्ब, श्रब और ट्री में बांटा था, जबकि एनिमल को उन्होंने दो भागों में बांटा था। पहला वो था जिनमें रेड ब्लड थे, और दूसरा वो था जिनमें रेड ब्लड नहीं थे, अर्थात इनेमा जिसमें रेड ब्लड थे, और जो जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट थे वो एनेमा थे। तो इसके बाद काफ़ी दिनों बाद फिर आ गए हमारे स्कैरोलस लिनियस 1758 में। इन्होंने क्लासिफिकेशन करते हुए देखा तो इन्होंने दो भागों में बांटा, एक प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया में इन्होंने बांटते हुए देखा था कि किस प्रकार की जो गतिमान हो सकते हैं, जो गतिशील हैं, उनको इन्होंने एनिमिलिया में रख दिया, और जो एक जगह स्थिर रहते थे उन्हें प्लांटी में रख दिया। लेकिन ये इनका इस प्रपोजल काफ़ी दिन तक नहीं चल सका। फिर इनके बाद आ गए एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नेस्ट हाइकल। हमने बात किया था अर्नेस्ट हाइकल का, 1866 में आए थे। हम लिख देते हैं, अर्नेस्ट हाइकल, ये आए थे कितने में? 1866 में। तो अर्नेस्ट हाइकल 1866 में ये दिए थे। देखिए, जो कैरोलस लीनियस थे, सी लीनियस, ये आए थे कितने में? 1758 में। इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। और फिर इन्होंने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जो हमारे कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने केवल प्लांट और एनिमल दो भागों में डिवाइड किया था, लेकिन अर्नेस्ट हैकल आके इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था क्या? प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। अर्थात अर्नेस्ट हैकल ने देखा कि कुछ ऐसे भी एनिमल थे जिनमें कुछ ऐसे करेक्टर थे जो प्लांट से भी बिलोंग करते थे और कुछ एनिमल से भी बिलोंग करते थे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो कि हमारा अभी हम यहाँ तक ही बात कर पाए थे फर्स्ट लेक्चर में। अब इस सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि दिए थे कौन? कोपलैंड। कोपलैंड ये दिए थे अपना क्लासिफिकेशन का 1956 में, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। तो कोपलैंड ने चौथा जो क्लासिफिकेशन का जो चौथा किंगडम था जिसका नाम क्या था? मोनेरा। मोनेरा मोनेरा एक ऐसा किंगडम था जिनमें संसार के वे सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए जो माइक्रोस्कोपिक थे। अर्थात इस मोनेरा किंगडम में इन्होंने केवल और केवल उन ऑर्गेनिज्म रखे जो माइक्रोस्कोपिक थे, इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और इसमें रखे जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो कोपलैंड ने इनको किस बेसिस पे प्रोटिस्टा
प्रोटिस्टा से मुनेरा में लाके रखा। तो यहाँ बात यही है कि जब हम थ्री किंगडम सिस्टम देखते हैं तो इसमें जो अर्नेस्ट हैकल थे प्रोटिस्टा में सभी यूनिसेलुलर और सब सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने सबको प्रोटिस्टा में रखा था। लेकिन कोपलैंड ने जब आए कोपलैंड तो इन्होंने देखा कि कुछ इसमें कुछ ऐसे भी एनिमल हैं ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक हैं। तो इस आधार पे इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको सबको इन्होंने किस किंगडम में रखा, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। और फिर इसके बाद अब यहाँ पे कितने बन गए पूरे, देखिए मोनेरा हो गया, ठीक, फिर दूसरा हो गया प्रोटिस्टा और तीसरा हो गया प्लांटी और चौथा हो गया एनिमेलिया, ठीक, चार हो गए। अब देखिए यहां से फिर आता है आपका, यहाँ पे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि काफी दिनों बाद 1969 में, कितने में, 1969 में, 1969 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर एच हुटेकर। क्या नाम था, आर एच हुटेकर। 1969 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर एच हुटेकर। इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे, देखिए इनमें कोई कमी नहीं थी, मोनेरा प्रोटिस्टा में कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन प्लांट में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और जिनके, देखिए प्लांटी में रखे जाने वाले सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में सिलवाल पाया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है, ठीक है, वो कैपेबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं है। तो इन्होंने ये देखते हुए भी इस प्लांटी को दो भागों में बांटा। पहला, इसमें प्लांटी में कौन आया, एक बनाया इन्होंने फंजाई और दूसरा प्लांटी और फिर इसके एनिमिलिया ऐसे ही रहने दिया, ठीक। तो हम फाइव किंगडम सिस्टम में देखते हैं तो देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांटी में इन्होंने दो भाग कर दिया, एक फंजाई और एक प्लांटी। फंजाई वो थे जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, जबकि सेलवाल इसमें भी है और सेलवाल इसमें भी है, लेकिन ध्यान दीजिए जो फंजाई है इसमें जो सेलवाल है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि जो प्लांटी है इसमें जो सेलवाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये फंजाई फोटोसिंथेसिस करने में अक्षम थे और ये प्लांटी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम थे, इसलिए इन्होंने दो ग्रुप में बांट दिया और एनिमल को इन्होंने ऐसे ही रहने दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर एस व्हिटेकर के द्वारा किस प्रकार दिया गया और किस बेसिस पे दिया गया। हम देखेंगे कि पांच ऐसे मुख्य आधार थे, बेस थे, जिनके आधार पर इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया। हम तो देखते हैं, हम आइए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार ये क्लासिफिकेशन हुआ। तो देखिए सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम आया कार्लोलिनियस ने 1758 में दिया, इन्होंने दो भागों में बांटा, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। फिर उसके बाद तीसरा थ्री किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने दिया 1866 में। इन्होंने क्या किया कि प्लांटी को इन्होंने प्रोटिस्टा और प्लांटी दो भागों, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया और एनिमल वैसा का वैसा ही रहा। देखिए इन्होंने जो प्लांटी किस बेस पे ये बांटा है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, देखिए। लेकिन अब यहाँ पे बात ये हुई कि प्लांटी जो थे ये सब मल्टीसोलर थे और यूकेरियाट, और ये जो प्रोटिस्टा थे इन्होंने प्रोटिस्टा को किस, जैसे जो पूरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे सबको इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया था। अब देखिए फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि कोपलैंड द्वारा 1956 में दिया गया। अब कोपलैंड ने देखा कि प्रोटिस्टा में कुछ
कुछ ऐसे भी थे जो प्रोकैरियोट थे और कुछ यूकैरियोट, लेकिन सब यूनिसेलुलर थे, लेकिन उसमें कुछ प्रोकैरियोट और कुछ यूकैरियोट। तो उन्होंने प्रोकैरियोट को मोनेरा, किंगडम मोनेरा में रख दिया और यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे फिर आए फाइव किंगडम सिस्टम, आर्या छुटेकर 1969 द्वारा। इन्होंने क्या किया कि मोनेरा को ऐसे रहने दिया, प्रोटिस्टा को ऐसे रहने दिया। इन्होंने देखा कि प्लांटिंग में जो ऑर्गेनिज्म थे, एक तो वो थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे जिन्हें प्लांट कहते हैं, दूसरे वो कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उन्हें फंजाई कहते हैं। तो फंजाई का जो सिलवाल था वो काइटिन का बना था, और प्लांटी का जो सिलवाल था वो सेलुलोज का बना था, और एनिमिलिया वैसे का वैसे ही रहने दिया। बस यही एक फ्लो चार्ट है और आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हम और देख लेते हैं, क्योंकि हम इसके लिखे नहीं, आपको बताया जरूर लेकिन लिखे नहीं, लेकिन हम थोड़ा देख लेते हैं लिख के कि देखिए प्लांटी जो है इसमें सेलवाल प्रेजेंट होता है और एनिमिलिया में सेलवाल अब्सेंट होता है, हमने बताया था, लेकिन आप देख लीजिए कि हमने लिखा भी है। और प्रोटिस्टा में ये सारे जितने थे ये सब यूनिसेलुलर थे। ठीक, अब प्रोटिस्टा में दो भाग हुए, एक मोनेरा और दूसरा प्रोटिस्टा। अब जो मोनेरा था इसमें सारे प्रोकैरियोट थे, और जो आपका प्रोटिस्टा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। ठीक है, इस बेसिस पे इन्होंने डिवीजन किया। और देखिए प्लांटी जो फाइव किंगडम सिस्टम में आर एस विटेकर ने प्लांटी को डिवाइड किया, इन्होंने सलवाल के आधार पर डिवाइड किया। तो इन्होंने जो देखा कि फंजाई में सलवाल था वो काइटिन का था, और प्लांटी में सलवाल जो था वो सेलुलोज का बना होता है। बस इसी आधार पे इन्होंने क्लासिफाई किया। तो देखिए हम बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो आर्य छुटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा दिया गया था? आर्य छुटेकर, आर एच छुटेकर ने दिया था। कितने में? कौन सा सन में? 1969, 1969 में। ठीक है, अब देखो किस, देखिए ये जो इनका क्लासिफिकेशन था वो अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, अर्थात अभी तक इन ये लिख लीजिए आप थोड़ा सा, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, और देखिए किस, कौन कौन से इन्होंने ट्रेड लिया जिस आधार पे इन्होंने इसको क्लासिफाई किया, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला, इन्होंने पांच ऐसे करेक्टर लिए थे जिसके आधार पे इन्होंने पांच सिस्टम में डिवीजन किया। देखिए सबसे पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और चौथा था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और पांचवा जो था वो था फाइलोजेनेटिक ठीक। देखिए पांच ही ऐसे मेन मुख्य करेक्टर थे जो जिसके आधार पर देखिए सेल वॉल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अर्थात देखिए सेल वॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, अर्थात सेल वॉल किस किस कंपोनेंट से बना है उसके बारे में बात करेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात बॉडी संरचना किस प्रकार है, बॉडी
कैसे मतलब सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, टिश्यू है या ऑर्गन लेवल है, तो किस प्रकार का बना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि वो किस प्रकार भोजन करते हैं, अर्थात वो ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटरोट्रॉफिक हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक हैं तो वो फोटोसिंथेटिक हैं या कीमोसिंथेटिक हैं, या अगर मान लो हेटरोट्रॉफिक हैं तो हम जैसे कि होलोजोइक हैं या और किस प्रकार के हैं, या पैरासिटिक हैं या सैप्रोफिटिक हैं। और फिर उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अर्थात वो किस प्रकार के रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि इनका किस प्रकार इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ, अर्थात वो शुरू से किस प्रकार एक लोअर क्रम से वो एक अपर क्रम तक बढ़ते चले गए। तो इस प्रकार हम इसके बारे में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, हम अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अब इस चार्ट के माध्यम समझते हैं कि किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। जो देखिए सेल स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो हम सबसे पहले मोनेरा जो किंगडम था उसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल थे वो किंगडम मोनेरा में रखे गए थे। उसके बाद फिर प्रोटिस्टा में यूकैरियोट और फंजाई भी यूकैरियोट थे और प्लांटी भी यूकैरियोट और एनिमिलिया भी यूकैरियोट। उसके बाद नेचर ऑफ सिलवाल, नेचर ऑफ सिलवाल में जब देखेंगे तो देखिए सबसे पहला इसमें पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। देखिए जो मोनेरा का सिलवाल था, मोनेरा का सिलवाल पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अब इसमें भी जो आपका पॉलीसेकेराइड, इसमें एक होता है म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, कौन सा होता है, म्यूरेमिक एसिड। देखिए इसमें जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ज्यादातर म्यूरेमिक एसिड होते हैं और पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं। दूसरा कौन सा होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकन। इनका जो सिलवाल होता है वो म्यूरेमिक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बना होता है। और प्रोटिस्टा का जो सिलवाल होता है, देखिए प्रोटिस्टा में कुछ जो फंजाई से बिलोंग करते हैं उसमें जो सिलवाल होता है वो काइटिन से रिलेटेड होता है, जबकि इसमें जो प्रोटिस्टा जो एल्गी से रिलेटेड होते हैं उसमें जैसे सेलुलोज या जो प्लांटी के कुछ मेंबर्स होते हैं उसमें सेलुलोज के बने होते हैं, और फंजाई में आपका काइटिन से बना होता है या भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और फिर प्लांटी सेलुलोज से बना होता है इसका सेलवाल, और एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, ठीक। अब थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। थैलस क्या होता है, थैलस देखिए थैलस का मतलब ये होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म या बॉडी का वह भाग जिसे हम उसके पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे प्लांट के केस में हम थाइलस देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब हम उसे रूट लीफ और स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो उसे थाइलस कहते हैं। और इसी को हम देखते हैं किस प्रकार इसमें किया गया है। देखिए मोनेरा का जो होता है वो सेलुलर होता है, अर्थात ये सिंगल सेल के बने होते हैं, इसलिए ये इनको यूनिसेलुलर भी कहा जाता है। और आपका प्रोटिस्टा ये भी यूनिसेलुलर होता है, इसलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका बोला जाता है। फंजाई जो होता है वो आपका मल्टी सेलुलर होता है, या अगर मान लो एक टिश्यू बना रहे हैं तो बहुत ही लोअर क्वालिटी के टिश्यू बनाते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर फंजाई ये हो ही गया। प्लांटी में जो देखिए प्लांटी का जो ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये देखिए प्लांटी के केस में ऑर्गन कहना गलत होता है, ठीक है। प्लांट में ऑर्गन जैसा कोई भी पार्ट होता नहीं, उसमें सारे जितने भी सिस्टम होते हैं सभी टिश्यू लेवल के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनिमेलिया में आपका टिश्यू भी पाया जाएगा, ऑर्गन भी पाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाएगा, ठीक है, जिससे आपके बॉडी का निर्माण होगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले देखिए हम दो चीज आपको बता दें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है जो वो होता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक।
देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक होते हैं या इस प्रकार का जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा प्रकार का होता है जिसमें वे ऑर्गेनिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और वे एनिमल या वे ऑर्गेनिक जो इसी जो ऑटोट्रॉफिक एनिमल है उनके ऊपर, या ये कहिए कि आप इनडायरेक्ट रूप में ये ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं उन पे आश्रित होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हेटोट्रॉफिक। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका मोनेरा किंगडम में ऑटोट्रॉफिक और हेटोट्रॉफिक दोनों पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कीमोसिंथेटिक करते हैं, जो कि अपना केमिकल से अपना भोजन, जैसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें कीमोसिंथेटिक कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि वे ऑर्गेनिक जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं। हेटरोट्रॉफ्स वे होते हैं, जैसे हेटरोट्रॉफ्स में दो प्रकार है, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। पैरासिटिक वे होते हैं जो जो लाइक एस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। और वे ऑर्गेनिक जो एक डेड मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। और ये हो गया आपका मोनेरा। प्रोटिस्टा में आपका देखिए ऑटोट्रॉफिक पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, और हेटरोट्रॉफिक होता है जो कि आपका पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक दोनों प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। फंजाई में हेटरोट्रॉफिक में इसमें सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिर्फ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं। अब इसमें पैरासिटिक भी होंगे और सैप्रोफिटिक भी होंगे। प्लांटी में इसमें सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होंगे, अर्थात ये सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक ही शो करेंगे। उसके बाद एनिमिलिया में सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी के सभी सब हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो होलोजोइक होते हैं और कुछ बहुत कम मात्रा में आपके सैप्रोफिटिक होते हैं। देखिए होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन उसे निगल निगल कर अपने अंदर ले जाता है तो उसे बोलते हैं क्या? होलोजोइक। ठीक। अब बात करते हैं हम सबसे लास्ट, वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि किस प्रकार से इवोल्यूशनरी इनका डेवलपमेंट हुआ है, अर्थात कहाँ से इनका विकास हुआ है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बनने वाले इस ब्रह्मांड में सबसे बनने वाले पहले ऑर्गेनिज्म थे वो मोनेरा थे, उसके बाद फिर प्रोटिस्टा क्या है, अब प्रोटिस्टा के बाद फिर प्लांटी बने, प्लांटी के बाद फिर फंजाई है, और उसके बाद फिर एनिमिलिया है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए एक बार चार्ट बढ़िया से, और आप इसे एनसीईआरटी में देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और आप इसे नोट भी कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक। तो आप अब इस चार्ट को बढ़िया से पढ़िए और ध्यान दीजिए, और हम इसके बाद हम आपसे आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर थर्ड में, वो भी किंगडम मुनेरा के ऊपर। ठीक। ओके। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यही आपका यही चार्ट जो है आर एस शूटेकर द्वारा दिया गया था, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड इनका ये मॉडल रहा, और इसी के बारे में हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो अब आप आगे लेक्चर थर्ड में देखेंगे कि किंगडम मुनेरा किस प्रकार से हम उसके उसके बारे में देखेंगे। अब आपसे आप एक निवेदन है कि आप बायोलॉजी लेक्चर बाय शिवम शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। बस आपका धन्यवाद।